ओम शांति। ये वाणी चल रही थी 13/1/64 रिवाइज हुई 13/1/69 में। सातवें पेज पे मध्य में बात चल रही थी, अभी पढ़ाई से वर्षा मिलता है तुम बच्चों को, अभी माना संगम युग में, सतयुग त्रेता में तो यहाँ की प्रारब्ध मिलती है, और द्वापर कलयुग में अभी के जो संस्कार पुरुषार्थ के पड़ जाते हैं उन तीव्र मध्यम या धीमे पुरुषार्थ के आधार पर अगले जन्मों में प्राप्ति होती रहती है। क्योंकि पीछे तो कोई पतित पढ़ाई से राजा नहीं बनते हैं, यहाँ की पढ़ाई के ही संस्कार ले जाते हैं। पीछे तो वो चली जाती है और फिर चली जाती है सतयुग त्रेता में, जब द्वापर शुरू होता है तो फिर होती है। अच्छा कर्म करने से, बहुत बहुत दान पुण्य करने से अगले जन्म में प्राप्ति होती रहती है। या तो फिर वो राजा ही मिलती है, वह धनवान बन जाते हैं। और वो अभी तक भी ऐसे चलता रहता है। अभी बहुत धनवान कोई होवे और गवर्नमेंट को 5-10 लाख की मदद करे तो उनको टाइटल मिल सकते हैं। ये राम की दुनिया, रावण की दुनिया, फिर राम की दुनिया, रावण की दुनिया, ये चक्कर कैसे लगाती है। पूरे हर एक टाइम पर अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। समझेगा कि हम कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी संतान को पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो एक ही रूहानी बाप है, तो जब पढ़ाते हैं तो ये समझता होगा ना कि हम अपने रूहानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर भी ले आना होता है, परंतु थोड़े समय के लिए ठहरना जरूर पड़ता है। रेस्ट जिसको कहा जाता है ना, क्योंकि तब तक तुम्हारे रूहानी बच्चे भी यहाँ और जिस्मानी बच्चे भी हैं, अर्थात रावण के बच्चे भी हैं, वो भी बच्चे तो है ना,
थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश लेते हैं, जब तक कि और भी बाकी बच्चे देखो जाते हैं ना एडवांस में, अच्छे अच्छे महारथी भी जाते हैं, घोड़े सवार भी जाते हैं और प्यादे भी जाते हैं। अभी आगे चल करके टाइम तो पड़ा हुआ है ना, उस छोटी सी आत्मा में बाकी थोड़ा सा पूंछड़ी विकार की है, ये 5000 वर्ष का रिकॉर्ड है। तो वो रिकॉर्ड है ना कोई कोई की बुद्धि में, ऐसे तो तुम्हारी बुद्धि में भी तिरक जाता है, बुद्धि से ही तिरक जाता है। क्या भरा हुआ रिकॉर्ड जानते हो अगर, तो फिर चक्कर फिरना चाहिए। किसका नहीं फिरता है, किसका सुदर्शन चक्र नहीं फिरता है, तो क्या समझा जाता है? इससे सिद्ध होता है कि ये देरी से आने वाले हैं, एकदम नई सृष्टि के आदमी आने वाले नहीं है। फिर उससे भी कम और फिर उससे भी देरी में आने वाला है। देरी से याद करेगा, जो जो भी धारणा पूरी नहीं करते हैं वो देरी से आएंगे, जो धारणा करेंगे वो तो बाबा ने ये राज समझाई दिया है। जब तुम देखते हो आकर पढ़ते हैं तो आकर के बहुत अच्छी तरह से पढ़ते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे वक्त में ऐसी गुई गुई बातें निकलती हैं कि जो भी संशय हो वो संशय उड़ जाता है। 13:164 की वाणी का 8वां पेज, संशय उड़ जाते हैं, इसलिए पढ़ाई को एक दिन भी मिक्स नहीं करना है। ऐसे नहीं समझना कि बाबा रोज एक जैसी बातें समझाते रहते, वही वही बातें रिपीट करते रहते हैं। मुख्य बात यही है कि याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण का अर्थ ही है कोई भी विकार नहीं रहे, ये तो जानते हो। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई भी कुछ छी छी बोले तो सुना 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 अनसुना कर दो, तभी तो गाया जाता है हियर नो इविल, यानी कोई भी चरिए खरिए की बात कोई करे तो जैसे सुनी सुनी नहीं सुनी, सुना हुआ सुना कर दो। तो सुना है ना, मान अपमान
सुख दुखे समय कृत्वा कुछ भी कोई कहे ये सभी सहन करना है। सहन करने की युक्ति बताई देते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे तुम सुनी अनसुनी कर दो तो अभी ये अवस्था चाहिए ना। जिस समय में सुनते हैं उस समय में तो झट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं है? कोई उल्टी पलटी बात करता है तो क्या आ जाते हैं? अरे विकार आ जाते हैं। तो जो कोई भी कुछ भी सुने अनसुनी कर दो। तुमको तो कहा गया है ना ये सारी दुनिया को भूल जाओ। तो अपन को आत्मा समझो। अरे आप सिर्फ आत्मा हो देह नहीं हो। तो देह में कान भी तो होते हैं ना। तुम तो आत्मा हो कान तो है ही नहीं तो कैसे सुनेगी? आत्मा कानों बिगर सुनेगी क्या? तो अशरीरी हो जाओ। देखो रात में आत्मा आप ही अशरीरी हो जाती है ना। निद्रा में जाते हो मर जाते हो। कोई उस समय में आकर के तलवार लेकर के गला काट जावे। ऐसे ऐसे केस भी निकले हुए हैं ना। सोते सोते काट कर चले जाते हैं। हर बार मार कर जाते हैं। फलाने मर जाते हैं। तो उस समय तुमको पता थोड़ा ही लगता है। उस समय क्रोध आता है क्या? क्यों नहीं आता है? हैं? आत्मा सुसुप्ति में चली गई। जैसे कि आत्मा की स्थिति में स्थित हो गए। तो ये आत्मा है ना बच्चे। अपन को सदैव आत्मा ही समझना चाहिए। आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती है। सुख कर्म करते करते थक जाती है तो ऑटोमेटिकली वास्तव में अशरीरी होते हुए अशरीरी हो जाते हैं ना। जिसको नींद कहा जाता है। बाकी ये है तो नींद। आत्मा अशरीरी हो जाती है उसको नींद कहा जाता है। क्योंकि थकती भी तो बहुत है ना। कभी कोई आत्मा को ख्याल आता है। कोई यहां वहां का ख्याल आता है बाहर का आता है। तो कोई कोई की ऐसी नींद फिट जाती है। ऐसी नींद फिट जाती है जो अशरीरी हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि शरीर के होते उनको बहुत ही ख्यालात होते हैं। ये ख्याल वो ख्याल
बाकी रात को तो नींद फिटी ही जाती है। कोई कोई तो इतने ख्याल आते हैं सारी रात नींद नहीं आती है। तो क्या कहें, देह अभिमान में है कि आत्मा अभिमान में है? देह अभिमान आ जाता है। अपन को जब तक आत्मा शरीर नहीं बने हो, अच्छी तरह से ज्ञान से जब तक कुछ न कुछ ये चोट माया की लगती रहेगी। ज्ञान से ही अशरीरी बनेंगे ना। माया की चोट लगती है तो कुछ न कुछ सुनाई देते हैं। थोड़ा भी दुख होगा दुख तो होता है ना, जब एकदम पक्के हो जाएंगे तो फिर बाबा ने कह दिया है ये युक्ति है कि सुना अनसुना कर दो, ये हियर नो इविल सी नो इविल टाक नो इविल, ये तीनों बातें सिवाय बंदर के वो और कोई को तो नहीं दी हुई है। ये बातें बंदर को ही क्यों दिखाई है? बंदर का ही चेहरा क्यों दिखाया है? आंखों से सी नोई बिल, कानों से हियर नोई बिल और मुंह से टाक नोई बिल, ऐसे चित्र बनाते हैं ना, दिखलाते हैं ना। क्या शास्त्रों में दिखलाते हैं है? अरे बंदरों को ही राम की सेना दिखाते हैं। अभी बंदरों की कोई सेना होती नहीं है, वास्तव में मनुष्य इस समय में हूबहू बंदर बुद्धि है। क्या प्रूफ दिया है? अभी प्रूफ दिया ना, कोई ने कुछ कहा है तो फट से क्रोध आ जाता है, मुंह से उल्टा पलटा बोलने लग पड़ते हैं, लाल लाल आंखों से देखने लग पड़ते हैं। जास्ति विकार किसमें होते हैं? बंदरों में ही होते हैं ना। इसलिए मनुष्य इस समय में हूबहू बंदर बुद्धि है। मीठे मीठे सिकीली बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकीली रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। याद प्यार गुड मॉर्निंग किसने कहा और नमस्ते किसने कहा है? रूहानी बाप ने नमस्ते कहा। क्यों? बाप तो बड़ा होता है, बच्चे तो छोटे होते हैं, तो छोटे बच्चों को बड़े बाप ने नमन क्यों किया, क्यों सर झुकाया है?
क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं कि मैं क्या बन करके आता हूँ, तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आता हूँ। तो रूहानी बाप बच्चों को नमन करते हैं। फिर ये याद प्यार गुड मॉर्निंग कौन करता है? हाँ? बाप और दादा। ये सेवादारी नहीं है क्या? हाँ? ये नमन नहीं कर सकते? हाँ? सेवादारी है या नहीं है? अच्छा, देवान रहता है या नहीं है? बाप दादा का पार्टधारी जो आत्माएं हैं उनको देहभान रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो देहभान वाला किसी के सामने झुकेगा क्या? ओ तो नहीं झुकेगा, देह का अहंकार आ जाता है। तो बोला बाप दादा का गुड मॉर्निंग और याद पार, माना असली सेवादारी नहीं है। क्यों है? वो बाप के बच्चे नहीं है, बाप दादा है, तो असली बच्चे क्यों नहीं है सेवादारी? क्योंकि देवान आता रहता है, इसलिए बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान की सेवा करता हूं और वाचा की भी सेवा करता हूं, वाइब्रेशन की भी सेवा करता हूं। तुम बच्चे तो तमो प्रधान बन गए, उनमें बाप दादा का भी नाम आता है या नहीं आता है? तो तमो प्रधान आत्मा कभी भी सेवा अच्छी तरह से नहीं कर सकती, कुछ न कुछ देहभान आया और मुख से कुछ न कुछ उल्टा पलटा बोल देंगे, तो दूसरे को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा तो सेवा हुई या डिस्टर्बिस हुई? डिस्टर्बिस हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 14:64 का। सतयुग को नई दुनिया और नई दुनिया को पावन दुनिया कहा जाता है। और पतित दुनिया कहा जाता है पुरानी दुनिया को, कलयुग को। तो बताओ अभी कहां बैठे हो? हैं? कहां बैठे? संगम में बैठे। संगम तो कलयुग और सतयुग के संगम को कहा जाता है। तो सतयुग के संगम में बैठे हो है? हाँ हाँ, पुरुषोत्तम संगम में बैठे हो, बैठे हो।
ज्यादा कहां बैठे हो है? अरे संगम में दो हिस्से, एक कलयुग और दूसरा सतयुग, तो कहां ज्यादा बैठे हो है? कलयुग में बैठे हैं, क्योंकि सतयुग में तो सत्य संकल्प ही आवेंगे, मुख से सत्य बातें ही निकलेंगी, कर्मेंद्रियों से असत्य कर्म तो होंगे ही नहीं, और यहां तो घड़ी घड़ी वाचा भी असत्य हो जाती है, कर्म भी असत्य हो जाते हैं, और दृष्टि भी झूठी हो जाती है। तो कलयुग के अंत में बैठे हो, क्योंकि जिसको पुकारा है बाबा आकर के हम सबको पावन बनाओ, तो हम सब माना किसको? आत्मा को, क्योंकि आत्मा को ही पवित्र बनना है, है? आत्मा को पवित्र बनना है, शरीरों को पवित्र नहीं बनना है, है? बनना है। ये तमो प्रधान शरीर है, पांच तमो प्रधान तत्वों के बने हुए विख से पैदा हुए शरीर है, ये पवित्र बनेंगे है? बनेंगे, बनेंगे, माना योग बल से शरीर पवित्र बनता है, आत्मा पवित्र बनती है, है? शरीर भी पवित्र बन जाएगा योग बल से, है? योग बल से आत्मा पवित्र बनती है, और पवित्र आत्माएं जिस शरीर में निवास करती हैं, वो शरीर भला पवित्र हो फिर भी वाइब्रेशन कैसे बनेंगे हैं? पवित्र वाइब्रेशन बनेंगे, और वो पवित्र वाइब्रेशन संगठन में बनेंगे या संगठन से बाहर बनेंगे? संगठन के पवित्र वाइब्रेशन से ये तमो प्रधान शरीर पावन नहीं बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे हैं? ये शरीर पावन बनेंगे हैं? नहीं बनेंगे। हां, जो सामूहिक कुदरत है, प्रकृति है, जड़ प्रकृति, और वो जड़ प्रकृति के पांच तत्व पावन बनेंगे, पांच तत्व जब पावन बनेंगे तब हम आत्माएं ये तमो प्रधान शरीर छोड़ करके कहां जाएंगे? परम धाम जाएंगे, परम धाम जाएंगे। परम धाम जाने से पहले ये शरीर सड़ते जावेंगे या पावन होते जावेंगे? ये शरीर सड़ते जावेंगे अंत तक, जब तक प्रकृति को पावन नहीं बनाया है।
तो प्रकृति जड़त्वमयी होने के कारण इस दुनिया में जहां संगठन में पवित्र वाइब्रेशन होंगी वहां प्रकृति सहयोगी बनेगी कि सारी दुनिया में सहयोगी बनेगी है? पहले कहां पवित्र बनेगी? जहां पवित्र संगठन होगा वहां वाइब्रेशन के आधार पर पांच तत्व भी पावन बनेंगे। पहले आत्माएं पावन बनेंगी या प्रकृति के पांच तत्व पावन बनेंगे? आत्मा पावन बनेगी और आत्माओं के संगठित प्रयास से पृथ्वी के जो पांच तत्व हैं वो भी दुनिया के थोड़े हिस्से में पावन बनेंगे कि सारी दुनिया में पावन बन जाएंगे? थोड़े हिस्से में पावन बनेंगे, बाकी सारी दुनिया में प्रकृति का तांडव नृत्य होता रहेगा। तो उसे प्रकृति तमो प्रधान कहेंगे या सतो प्रधान कहेंगे? तमो प्रधान प्रकृति कहेंगे। दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होता है जब प्रकृति अति तमो तामसी रूप धारण कर लेती है। बड़े बड़े भूकंप आवेंगे और इस दुनिया के बड़े बड़े शहरों की जो बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगी और दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी कहां रहती है? हैं? बहुमंजिला इमारतों में रही पड़ी है और ये बहुमंजिला इमारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं या कम होती जाती हैं? बढ़ती जा रही हैं। प्रकृति का आखिरी भयंकर तमाशा होगा तो सब धराशायी हो जाएंगे। तो प्रकृति के लिए भी क्या कहते हैं? तमो प्रधान बनती जाती है या सतो प्रधान बनती जाती है? हैं? तमो प्रधान बनती जाती है। तो आत्मा को ही पहले पवित्र बनना है। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो कहां पहुंचेगी? अरे पवित्र आत्मा पवित्र दुनिया में रहेगी या पवित्र दुनिया में रहेगी? तो कहां पहुंच जाएगी? पवित्र धाम में पहुंच जाएगी, सत्य धाम में। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। ये जो पांच मिट्टी का पुतला है, पांच तत्वों का, परंतु आत्मा तो अविनाशी है ना। प्रकृति के पांच तत्व परिवर्तित हो जाते हैं, विनाश को पाते हैं, तो विनाश के पाए हुए तत्व
उनको अविनाशी कहेंगे या विनाशी कहेंगे? इनका तो रूप बदलता जाता है, और आत्मा का रूप बदलता है? आत्मा का रूप नहीं बदलता, इसलिए आत्मा विनाशी है। वो आत्मा खुद ही नार्गंस, जैसे ये माउथ है, मुख, उससे कहती है, पुकारती है कि हम पतित बन गए हैं, आकर के पावन बनाओ। तो बाप आकर के पावन बनाते हैं। कौन सा बाप है? देहधारियों के बाप नहीं, जो देह धारण ही नहीं करता, जिस आत्मा की बुद्धि कभी देह में धरी ही नहीं रहती, देह में उसकी बुद्धि नहीं ठहरती, ऐसी सुप्रीम सोल, सुप्रीम बाप, इस तामसी सृष्टि पर आकर बच्चों को पावन बनाते हैं। और पांच विकार रूपी रावण क्या करते हैं? पतित बनाते हैं। बाप आकर के पावन बनाते हैं तो उस युग को का क्या कहा जाता है? है सच्चा बाप, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना। सत्य बाप आते हैं जो सदैव सत्य है, वो आकर के सतो प्रधान बनाते हैं तो कौन सा युग आ जाता है? सतयुग आता है। पतित कलयुग को कहा जाता है। ये पांच विकार रूपी रावण क्या बनाते हैं? बाप सतयुग बनाते हैं और रावण कलह युग बनाते हैं। कलह कलेश का युग बनाते हैं। तो बताओ इसका कारण क्या हुआ है? जो बाप सत्य युग बनाते हैं और रावण झूठ युग, झूठ खंड बनाते हैं, इसका क्या कारण हुआ? बाप आकर एक मुख से बताते हैं, एक मुख की बात सच्ची होती है या अनेकों मुखों की बात सच्ची होती है? तो बाप आकर के एक मुख से सुनाते हैं, एक मुख, उसे मुकर्रर रथ कहा जाता है। क्या कहा? तो ब्रह्मा का मुकर्रर रथ कहें या नहीं कहें? हैं? हैं? टेम्पररी रथ कहें? माना वो कह रहे मुकर्रर रथ नहीं कह सकते, क्योंकि टेम्पररी रथ है। इसका क्या प्रूफ? कि ब्रह्मा के तन में बाप ने आकर के सुनाया, वो सत्य नहीं सुनाया। शास्त्र में तो लिखा हुआ है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है,
हाँ, बाप सिर्फ सुनने सुनाने का काम नहीं करते हैं, इसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान किसको कहा जाता है? समझने और समझाने को, समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। तो बाप सुनाते भी हैं और साथ साथ में समझाते भी हैं। और एक मुख से सुनाते हैं, एक मुख से ही समझाते हैं। माना ब्रह्मा का मुख सत्य मुख नहीं हुआ क्या है? एक मुख नहीं है क्या? ब्रह्मा को पांच मुख थे क्या है? ब्रह्मा पांच मुखा पंचमुखी कहा जाता है या नहीं कहा जाता? तो पांच मुख होना ये किसकी निशानी हो गई है? ये रावण की निशानी हो गई। इसलिए ब्रह्मा एक है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। और बाप जिस मुख से सुनाते हैं वो एक मुख वाला है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है। तो देखो, अनेक मुखों वाला क्या करता है? पतित बनाता है। और एक मुख वाला पावन बनाता है। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी कलयुग है ना बच्चे, है क्या है? अभी कलयुग है। तो कलयुग में तुम जिससे सुनते हो वो पतित मुख है, सत्य मुख है या असत मुख है? सत्य मुख है। असत नहीं है, है? नहीं है। अच्छा, जिससे सुनते हो जिस मुख से, वो एक मुख कहेंगे या तीन तरह की बातें सुनाने वाला है? है? अच्छा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके नहीं बोलती है? वो भी बोलती है। और जिसको निमित्त बनाया जाता है राम राज्य के लिए, वो राम की आत्मा भी बोलती है या नहीं बोलती है? और शिव की आत्मा बोलती है। तो एक मुख से तीन बातें नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो अभी कलयुग है या सतयुग है? है? फिर सतयुग कब कहेंगे? है? अभी तो कलयुग है, सतयुग तो नहीं कह सकते, क्योंकि भले एक मुख से सुनाते हैं तो भी सुनाने वाली आत्माएं कितनी है? तीन तीन है। तो तीन बातें होंगी ना? बाबा ने तो यही कहा ना, तुम सदा यही समझो, हमको शिव बाबा ही पता नहीं चलता ना है?
आपने तो यही कहा, तुम यही सलाह समझो। हाँ अरे समझते हैं कि बुद्धि तिरक जाती है। तो अभी कलयुग है या सतयुग है? तिरक जाती। तो कलयुग में हो या सतयुग में हो? है कलयुग में बैठे, फिर सतयुग में कब बैठेंगे? है जोर से बोलो। सतयुग में तब बैठेंगे जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? क्या निशानी बताई? जो देखे आंखों से बाप को, जो कानों से सुने बाप को, उसके मुख से क्या निकले? बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही नहीं है, सारी दुनिया का बाप आ गया। अभी अभी क्या होता है? है आंखों से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते तो हैं। और कानों से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। फिर कभी रावण दिखाई पड़ता है या सदा राम दिखाई पड़ता है? है कभी कभी रावण शैतान भी दिखाई पड़ता है, शैतान ज्यादा दिखाई पड़ता है। घोर कलयुग आ गया। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अभी कलयुग है ना, माना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो बाप भी कैसा दिखाई पड़ता है? है सबकी आंखें तमो प्रधान है कलयुग में या सतो प्रधान है? तमो प्रधान आंखें क्या देखेंगी? तमो प्रधान ही देखेंगी। तो अभी तुमको स्मृति दिलाई है कि तुम पावन थे, अभी अभी पतित हो, पावन थे। फिर ऐसे ऐसे नीचे उतरते उतरते 84 जन्म लेते लेते तुम बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आ पड़े हो। अभी तुम्हारा 84 जन्म पूरा हुआ। ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसका अभी बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं, किसका बीज रूप हूं? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूं। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। और बाप एक है या दो है? हैं? दो बाप हैं। कौन कौन से? एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो कौन सा बाप कहते हैं? कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज रूप हूं, शिव बाप कहते हैं। आत्माओं का बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज हूं। है मनुष्य सृष्टि झाड़ का जो बीज है वो बीज मनुष्यों का बाप है, आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का बाप है। उसमें आत्मा नहीं होती है,
अरे बिना आत्मा के कहेगा है? नहीं कह सकता। अगर देवभान होता मनुष्य सृष्टि के झाड़ में तो वो अपन को सदा सदा काल के लिए मनुष्य सृष्टि का बीज समझेगा या कभी कभी भूलेगा भी है? कभी कभी भूल भी सकता है। तो ये कौन सा बाप कहते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का झाड़ का बीज हूं है? शिव बाप कहते हैं। मनुष्य साकार होते हैं, सृष्टि साकार होती है या निराकार होती है? और शिव बाप निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप है या साकार का बाप है? तो कौन कहता है? हाँ, निराकार बाप साकार मनुष्य सृष्टि के बीज में आकर के कहता है कि मनुष्य सृष्टि का बीज झाड़ का मैं बीज रूप हूं, क्योंकि ऊपर में रहता हूं। कौन है? दोनों ही बाप ऊंची स्टेज में रहते हैं या नीची स्टेज में रहते हैं? जो आत्माओं का बाप है वो तो परमधाम वासी है ही है, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी सामान्य पाठधारी है या ऊंचे से ऊंचे पाठधारी है? हीरो पाठधारी है। तो मुझे ऐसे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा। कैसे बुलाते हैं? हैं? ऐसे क्यों नहीं बुलाते? हे परमात्मा परमपिता, क्यों नहीं बुलाते? क्यों? परमात्मा शब्द पहले क्यों नहीं रखते? अरे शिव शंकर कहते हैं तो शंकर शिव क्यों नहीं कहते हैं? हाँ, जो बड़ा है, बड़ा काम करने वाला है, उसका नाम पहले होना चाहिए। तो जो शंकर पाठधारी है वो बड़ा काम करने वाला है या शिव पाठधारी आत्मा बड़ा काम करने वाली है? बड़ा काम क्या? कैसे कर देते हैं, फूंक मारते हैं और पावन बन जाते हैं है? कैसे? ज्ञान से पावन बन जाते हैं है? ज्ञान लेने के बावजूद भी सब पावन बन जाते हैं क्या है? नंबरवार बनते हैं? सिर्फ ज्ञान लें और ज्ञान की धारणा न करें। जैसे रावण कुंभकर्ण मेघनाथ भी तो ब्राह्मण थे ना है? बड़े ज्ञानी थे या नहीं थे? फिर धारणा में ज्ञान था नहीं था? तो सिर्फ ज्ञान लेने की धारण करने, ज्ञान लेने की, सुनने सुनाने की बात, समझने की बात नहीं है। क्या बात है? धारण करने की बात है और सदा काल के लिए धारण करने की बात है या थोड़े समय के लिए धारण करने की बात है? सदा काल धारण करने की बात है।
तो कौन सी आत्मा है जो सदा ज्ञान को धारण किए रहती है? राम वाली आत्मा। अच्छा, राम वाली आत्मा जो मुकर्रर रथधारी है उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, ज्ञान समझाना शुरू करते हैं, सुनाना शुरू करते हैं, तो वो आत्मा परिपक्व हो जाती है, उसी समय से परिपक्व हो जाती है क्या? है? क्यों क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि वो आत्मा भी पुरुषार्थी है, शंकर को भी याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, या याद करने की उनको जरूरत नहीं है, याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। इसे क्या साबित होता है? हैं? हाँ, वो पुरुषार्थी आत्मा है, संपन्न आत्मा नहीं है। जैसे ब्रह्मा के तन में भी बाप बोलते थे, बच्चे किसकी गोद में आए हो? हैं? तो कोई बच्चे कहते थे, बाबा हम आपकी गोदी में आए हैं। तो बाबा पूछते थे, आप माना कौन? ये ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाप क्या कहते थे? बच्चे तुम तो फेल हो गए, हैं? तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है, देहधारी की गोद में आए या शिव बाबा आत्मा की गोद में आए? हैं? शिव बाबा की गोद में आए अगर ये बुद्धि में रहता है तो तुम पावन बनेंगे। संग के रंग की बात है ना, तो ब्रह्मा वाली आत्मा उस समय संपन्न थी क्या? संपन्न भी नहीं थी, और जब शरीर छोड़ा तक तब तक भी संपन्न थी या नहीं? नहीं थी। माना देहभान वाली थी या नहीं थी? देहभान वाली थी। क्यों है? हाँ, क्योंकि अंत तक भी उन्होंने बाप के पार्ट को नहीं पहचाना। बाप जो आत्माओं का बाप है वो यज्ञ के आदि से ही आया हुआ था या नहीं आया हुआ था? आया हुआ तो था, परंतु ब्रह्मा ने नहीं पहचाना। और ब्रह्मा के होते होते जो भी फॉलोअर्स ब्राह्मण हुए उन्होंने पहचाना या नहीं पहचाना? जब मुखिया ने ही नहीं पहचाना तो फॉलोअर्स कहां से पहचान लेंगे? तो किसी ने पहचाना भी नहीं। तो पावन बनने की बात उठती है, संग का रंग लेकर के गोद में आए तो संग का रंग तो मिलता है ना, परंतु जो गोद में आते हैं उनकी स्थिति के अनुसार, ज्ञान की स्थिति के अनुसार, वो गोद में आने वाले पतित की गोद में आते हैं या पावन की गोद में आते हैं? पतित की गोद में आते। तो संग का रंग कैसा लगा? है? पतित का ही लगता है। तो पतित का संग बुद्धि ने लिया तो और ही पतित बनते जाते हैं। पक्का पक्का बुद्धि में बैठ जावे कि हम किसके संग के रंग में आए हैं, शिव बाबा जो एवर प्योर है, जिस एवर प्योर बाबा ने, शिव बाप ने मुकर्रर रथ का आसरा लिया है, मुकर्रर रथ को धारण किया है,
ऐसे साकार में आए हुए निराकार बाप की गोद में हम आए हैं, या संसर्ग संपर्क में आए हैं, या उससे बातें करते हैं, या उसकी बात सन्मुख बैठ करके ज्ञान सुनते हैं, या आंखों से देखते हैं। अगर लगातार 24 घंटे यही धारणा पक्की रहे, क्या यही साकार में आया हुआ निराकार बाप हमको पतित से पावन बनाने वाला है, ये धारणा अगर पक्की हो जाती है 24 घंटे के लिए, तो निश्चय बुद्धि बच्चा कहेंगे या अनिश्चय बुद्धि कहेंगे? निश्चय बुद्धि कहेंगे। लेकिन 24 घंटे में अगर 2, 4, 8, 20 सेकंड के लिए ये बात बुद्धि में से उड़ जाती है, तो निश्चय बुद्धि हुए या अनिश्चय बुद्धि हुए? अनिश्चय बुद्धि हो गए। लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चे से बाप या दुनिया वाले पूछे, तुम्हारा बाप कौन है, तो निश्चय पूर्वक बतावेगा या कभी दुलदुल आएगा? अरे नहीं, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं है या नहीं है, संशय बुद्धि बनेगा। 24 घंटे में थोड़े टाइम के लिए भी संशय आएगा कि ये मेरा बाप नहीं है, है? ये बुद्धि संशय बुद्धि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? है, क्योंकि उसकी जो सच्ची सच्ची माँ है उसने उसको परिचय दिया है। बच्चे को बाप का परिचय कौन देती है? माँ देती है। तो जो सच्ची सच्ची माँ है बच्चे को, उस माँ ने परिचय दिया कि ये तुम्हारा बाप है, तो बच्चे को पक्का निश्चय जीवन भर के लिए हो जाता है। और यहाँ हमारी बड़ी से बड़ी माँ कौन है? जिस माँ से जन्म लेकर हम नंबरवार ब्राह्मण बने है। नौकरियों के ब्राह्मण तो होते हैं ना, तो हम ब्राह्मण तो बने ना। ब्राह्मण बने तो जिस माँ ने हमको परिचय दिया, वो माँ की आत्मा अभी सत्य है या असत्य है? हाँ, वो माँ भी निश्चय अनिश्चय में आती है। कभी ऐसा होता है क्या, माँ बेहोश हो जाती है? है, हो जाती है ना। और जब बेहोश हो जाती है तो उसको पता ही नहीं चलता, ये बच्चा कब पैदा हुआ, या किसका बच्चा है। या तो पैदा होते हुए बेहोश हो जाए, या तो बीज डालने के समय बेहोश बनी रहे। तो जब यज्ञ के आदि में बीज डाला गया ज्ञान का, तो मां ने पहचाना था क्या? है, कोई कहे अरे मां कैसे कहेंगे, वो तो दाढ़ी मूछ वाली थी, वो तो वास्तव में मां थी ही नहीं। तो बाप कहते हैं कि दाढ़ी मूछ वाली मां है, वो तो डुप्लीकेट, जैसे प्रिंसिपल स्कूल का चला जाता है कहीं साल दो साल के लिए, तो जो भी दूसरा व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है
वो असली प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल है, है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को टाइटल मिल गया था प्रजापिता ब्रह्मा, असली ब्रह्मा तो नहीं था क्योंकि उनको परिचय ही नहीं था बाप का। जब मां को खुद ही बाप का परिचय नहीं है तो बच्चों को कहां से परिचय देगी, देगी नहीं दे सकती। तो क्या कहें, अभी जो भी बच्चे हैं वो सूर्यवंशी बच्चे हैं या नहीं है, है? सूर्यवंशी बच्चे हैं, हैं? सूर्यवंश में राजाई प्राप्त करने वाले, राजयोग सीखने वाले, राजाओं का राजा बनाने वाले बाप के बच्चे हैं या नहीं है, हैं? हैं? कैसे, मां ने परिचय दिया, मां परिचय देने की स्थिति में है, है नहीं है? तो बाप के वो सूर्यवंशी बच्चे कैसे हुए जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य बाप के असली बच्चे कितने हैं, आठ हैं। असली पढ़ाई पढ़ने वाले आठ हैं। राजयोग की 100% पढ़ाई पढ़ने वाले कितने, आठ हैं। तो उन आठ को कहें कि वो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं अभी, है? क्यों नहीं कहें, वो तो सजाएं भी नहीं खाते हैं धर्मराज की, तो उनको असली बच्चा क्यों नहीं कहें, हैं? क्यों नहीं कहें, क्योंकि उनके सामने भी नहीं, उनके सामने भी ये प्रश्न है कि मां ने बाप को पहचाना या नहीं पहचाना, है? गीता का भगवान कौन है, है? बाप है। कृष्ण बच्चा गीता का भगवान नहीं है, तो मां ने पहचाना ही नहीं है, तो फिर कोई बच्चे को बाप का असली परिचय मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। तो अभी कलयुग है या कोई के लिए सतयुग है, अभी भी कलयुग है। तो बुलाते हैं बाप को, हे परमपिता परमात्मा। परमपिता पहले क्यों कहते हैं, हैं? क्योंकि वो सबकी बुद्धि से परे ते परे रहने वाला है। कौन है सबकी बुद्धि से परे ते परे रहने वाला, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी बुद्धि से परे रहने वाला, प्रजापिता की भी बुद्धि से भी परे रहने वाला, वो है परमपिता। उसके बाद परमात्मा, वो कौन है, हैं? हाँ, जो आत्माओं के बीच में परे है, आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, तो रंगमंच पर 5000 वर्ष के अंदर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच वो परम पार्टधारी है। उसको नाम दिया है परम आत्मा। कैसी आत्मा, परम आत्मा, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। इसलिए परम पिता पहले और परमात्मा
बाद में। ओम शांति।